गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट वायरलेस कीबोर्ड और माउस के कॉम्बो के बारे में, जो कि आता है सिर्फ 1000 रुपये का। तो मैंने तो इसको फ्लिपकार्ट के सेल में सिर्फ 1000 रुपये का ख़रीदा था आज से कुछ 1-1.5 महीना पहले। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा कीबोर्ड जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ, और माउस मेरा यहाँ पर रखा हुआ है जो ये मैं अभी फ़िलहाल में ये वाला यूज़ करता हूँ। दोनों वायरलेस होते हैं। यहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हो कीबोर्ड कुछ अच्छी बिल्ड क्वालिटी से बना हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छी आवाज़ भी इसकी, जैसे मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं उसके जैसे इसकी आवाज़ भी सुनने में हमको आती है। यहाँ पे सब फंक्शन कीज भी दी हुई है अच्छी तरह से। यहाँ पे मल्टीमीडिया कीज का भी सपोर्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैंने तो इसका बॉक्स भी संभाल के रखा, आपको मैं इसकी स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका बॉक्स मैंने संभाल के रखा था। तो ये रहा, तो सबसे पहले ये कीबोर्ड माउस एंटर की तरफ से आता है और इसका मॉडल नंबर है EWKM1 वायरलेस कीबोर्ड विथ माउस कॉम्बो। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो दिखा हुआ है कि ये विंडोज 7 विस्टर XP को ही सपोर्ट करता है, लेकिन मेरे में पर्सनली विंडोज 10 डला हुआ है, उसमें भी ये एकदम मक्खन की तरह चलता है। अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। और यहाँ पे आप इसकी प्राइस भी देख सकते हो, आप इसकी प्राइस 1200 लिखी हुई है, लेकिन मैंने फ्लिपकार्ट पे से 1000 रुपये का ख़रीदा था। अगर अभी आप लोग खरीदोगे तो 1200 में आपको पड़ जाएगा एकदम डिस्काउंट के साथ। और आप यहाँ पे देख सकते हो उस पर लिखा 2.4 GHz वायरलेस टेक्नोलॉजी पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसा 5 से 10 मीटर की जो इसकी रेंज होती है देखने को मिल जाती है। और इसके साथ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 2 हमको AAA बैटरीज भी देखने को मिलती है, जो कि हमारे माउस में डल जाएगी, नहीं सॉरी माउस में 1 AA बैटरी डलेगी और जो ये कीबोर्ड है उसमें 2 AAA बैटरीज डल जाती है। और यहाँ पे कुछ वैसे खास तो दिया हुआ नहीं है, अनबॉक्स तो मैंने पहले ही कर लिया था। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी यहाँ पे सपोर्ट करता है अच्छी तरह। और यहाँ पे एक हमको मिनी डोंगल देखने को मिलता है, जो कि मैंने रखा है अभी इधर पीछे रखा हुआ है मेरे पास, ये वाला डोंगल कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डोंगल हमको अपने PC में इंसर्ट कर देना होता है और ये वायरलेसली चालू रहता है। और एक बात भाई, जितने भी लोग आप में से सोच रहे हो कि कीबोर्ड और माउस खरीदे वायरलेस वाला, अगर आप मेरा ओपिनियन मानो तो आप वायर्ड वाला खरीदो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप वायरलेस भी खरीद सकते हो। और जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं कि जो वायरलेस खरीदेंगे तो हमको उसमें डिले देखने को मिलेगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ डिले विले नहीं देखने को मिलता है हमको। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि अगर जब उसकी बैटरी एकदम लो हो जाती है, यानी हम जो सेल डालते हैं वो ख़त्म होने पर आए होते, तब उसका जो फंक्शन होते हैं बहुत सारे वो अच्छी तरह काम नहीं कर पाते, तो उस केस में हमको बैटरी चेंज करनी होती है। और यहाँ पे हमको इसका बैटरी इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है ये वाले कीबोर्ड में, तो वो एकदम सही चीज़ इन्होंने दे दी। लेकिन मेरे को इसकी एक ख़राब चीज़ ये लगी, इसका माउस में इसकी माउस की डिज़ाइन अच्छी नहीं है। यहाँ पे माउस पे हमको इनकी ना मैट फिनिश देखने को मिल जाती है, रबड़ाइज मैट फिनिश, तो ये थोड़ा बहुत ऐसे घिसा हुआ लग रहा है अभी मेरे को। मैंने 1 महीने पहले इसको जब निकाला था नया तभी एकदम अच्छा था, लेकिन अभी मालूम नहीं क्यों घिसा लगता है। और जितने भी लोग आप में से ऐसा सोच रहे हैं इस कीबोर्ड में कीज़, जो मैकेनिकल कीबोर्ड जैसे कीज़ होती है थोड़ी सी मेटल जैसी, ऐसा कुछ नहीं है इस कीबोर्ड में, सिंपल प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है। अगर हम जोर से इसको फेंकूँ तो टूट जाएगा, वैसे फेंक के हमको करना भी क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एकदम सिंपल सी स्क्वायर टाइप की कीज़ यहाँ पे बनी हुई है, कुछ इतना खास बिल्ड क्वालिटी है नहीं, लेकिन जिस प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है वो बहुत ही एकदम अच्छा है एकदम। इसके आगे हमको थोड़ा सा मैट फिनिश देखने को मिल जाता है और इसकी कीज एकदम प्लास्टिक वाली। साउंड तो मैंने आपको बता दिया, एकदम बराबर साउंड है इसका, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पीछे यहाँ पे इसमें वो हमको देखने को मिल जाता है सेल का कंपार्टमेंट। यहाँ पे ये 2 रिमोट वाले सेल हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पे डालने पड़ेंगे भाई, तो हम लोग यहाँ पे सेल डाल सकते हैं। और बस इससे खास हमको क्या देखने को मिलता है, लेकिन इस कीबोर्ड की मेरे को एक और ख़राब चीज़ जो लगती है वो ये है कि जैसे कि हम लोग दूसरे कोई कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो बेसिकली उसमें ये जो इसका स्टैंड होता है पीछे, जैसे मैं पुराना ये वायरलेस कीबोर्ड माउस यूज़ करता था जो कि था लॉजिटेक का K220, ये भी एकदम अच्छी क्वालिटी से आप ये भी खरीद सकते हो, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा था तभी मैंने वो वाला खरीदा था। जैसे पुराने कीबोर्ड में मेरे पास जब है यहाँ पे स्टैंड थे, हम इसको स्टैंड पे रख के भी काम कर सकते हैं, आगे थोड़ा टिल्ट हो जाता है, लेकिन इस वाले कीबोर्ड में हमको सपोर्ट नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे एक पहले से ही एक ऐसा स्टैंड जैसा है वो हमको वही यूज़ कर पाएंगे, और इसमें कोई बेसिकली ऐसा स्टैंड वैंड नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए तो हमको यही यूज़ करना पड़ेगा।
और सेकेंड थिंग, जितने भी लोग आप में से ये सोच रहे हैं कि इस कीबोर्ड में हमको और माउस में कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जैसे मल्टीमीडिया के, हाँ तो वो इस मल्टीमीडिया का पूरा सपोर्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, आप यहाँ पे लाइन में देख सकते हो एकदम मल्टीमीडिया का सपोर्ट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। और दो एंटर के बटन है, और इधर मेरे को सबसे इसकी अच्छी चीज़ वही लगती है कि इसके बटन जोरदार एकदम साउंड अच्छा आता है बटन्स का। और दूसरी चीज, अगर आप में से ज़्यादातर लोग तो यही सोच रहे हैं कि इसका माउस का जो सेंसर होगा एकदम अच्छी क्वालिटी का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, माउस में सिंपल सा हमको बेसिक वाला सेंसर देखने को मिल जाता है, इसमें कोई गेमिंग ऑप्टिकल सेंसर या अच्छा ऑप्टिकल सेंसर नहीं देखने को मिलता है। वैसे वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, अभी तक तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपके पास माउस पैड होगा तो एकदम बढ़िया चलेगा, माउस पैड तो मेरे पास भी है लेकिन इसमें इतना अच्छा नहीं चलता। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो कीबोर्ड और माउस का, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों का। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं कोई अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।